हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे मुगलई परांठा। परांठा बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप मैदा और आधा कप आटा। आप चाहे अकेला मैदा भी ले सकते हो। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच नमक, और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे, जैसे हम चपाती का आटा बनाते हैं। हमने परांठे के लिए एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब हम इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। मुगलई परांठा बनाने के लिए हम लेंगे 1/4 कप कैबेज, 1/4 कप अनियन, आधी शिमला मिर्च, ये सब हमने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा लहसुन एंड हरी मिर्च, 1/4 कप ग्रेटेड कैरेट। इन सब में हम नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि बाद में हम इनका पानी निकाल सकें। फिर हम इसमें डालेंगे आलू, बॉयल्ड एंड ग्रेटेड आलू, और पनीर, ग्रेटेड पनीर, वो हम सब बाद में डालेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम अपनी स्टफिंग का पानी निचोड़ देंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा पनीर और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ आलू। इसमें हम डाल लेंगे गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर। आप चाहे तो नमक इसी समय मिला सकते हैं, लेकिन मैं परांठा बनाते हुए उसमें नमक डालूंगी। यह हमारी मुगलई परांठा की स्टफिंग तैयार हो गई है। हमारा आटा भी सेट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसके बनाएंगे मुगलई परांठे। इसमें हम डाल लेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल, और इसमें रख देंगे हम अपनी स्टफिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टफिंग फटेगी, तो परांठा फटेगा, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्राई आटा डाल सकते हो।
बाज़ार में हमें ये परांठे डीप फ्राई करके मिलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, पर हम शैलो फ्राई कर रहे हैं।